आ रहा है और इस बीच अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, दरअसल पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां पे उनको ईडी का समन जो है वो मिला है। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन जिनको ईडी का समन मिला है, और बताया जा रहा है कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में ये गड़बड़ी का पूरा मामला है जिसके चलते उनको समन मिला है। HCA के वित्तीय घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये समन है ईडी का, और उसके लिए ही मोहम्मद अजहरुद्दीन को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो अजहर पर करीब 20 करोड़ रुपए के फंड का दुरुपयोग करने का आरोप है। मोहम्मद अजहरुद्दीन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिनको ईडी का समन मिला है, और किस तरह का ही जो पूरा मामला है इसकी जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता नीरज सिंह का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला। देखिए, मोहम्मद अजहरुद्दीन हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, 2019 में उन्होंने ये पद लिया था। उसके बाद स्टेडियम के अंदर कई सारे उपकरण खरीदने के लिए जो टेंडर निकाले गए थे उसमें निजी लोगों को शामिल किया गया, और टेंडर में जो रकम दर्शाई गई थी वो बाजार की कीमतों से काफी ज्यादा थी, और उसके बाद भी निजी लोगों को टेंडर दिया गया। जो जांच निकलकर सामने आ रही है उसमें करीब करीब 20 करोड़ का जो घोटाला है वो निकलकर सामने आ रहा है, चाहे वो जनरेटर खरीदना हो या स्टेडियम से संबंधित कोई सामान उसमें खरीदना हो, उसको लेकर अनियमितता निकलकर सामने आई है। और इससे पहले भी आप अगर देखें कि जो तेलंगाना की उपल जो पुलिस है उसने इसमें मामला दर्ज किया था, 3 FIR दर्ज हुई थी जिसमें अग्रिम जमानत अजहरुद्दीन को मिली थी। बाद में ईडी ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया, ईडी ने अपनी जांच की, और आज मोहम्मद अजहरुद्दीन को पहला समन गया है जी पूछताछ के लिए। उनको बिल्कुल जाहिर तौर पर समन जो है इस पूरे मामले में मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, और आइए अब सीधा आपको ले चलते हैं।